दाना बांधिबो बात्या 22 उपकूल ओडिसा रे पाग बदली परे ग्रीष्मर पहिली ताऊ आरंभ होई जायथिबा बेले उंकी मारिलानी बात्या आशंका असंता 22 तारिख बेळकु बंगोपसागर बात्या सृष्टि पई दाना बांधिबो एमिति संभव चित्र देखाइछंती विभिन्न पाणीपाग मॉडल एहार तीव्रता गतिपथ नै एबेटु आकलन करि हेबो नाही लघुचाप सृष्टि हेबा परे सेतबेळर जलवायु स्थिति अनुजाई संभव गतिपथ ओ तीव्रता जणा पडिबो एहा पूर्व उपकूलकु गति करिबो कि मियामार पळाइबो एबे कहिबा मुश्किल तबे एहा प्रभावरे उपकूल ओडिसा रे पाग बदलिबा संभावना रहिछि मार्च मासरे बात्या क्वचित सृष्टि हुए 1901 रु चलित वर्ष पर्यंत मार्च मासरे बंगोपसागर 6टी बात्या सृष्टि होइछि विशिष्ट पाणीपाग वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यनाथ पशुपालक कहिसेंती जीएफएस आईएमडी जीएफएस मॉडल अनुसार आसंता 20 तारीख बेलकु दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रहिछि एहा क्रमश घनीभूत होइ उत्तर बंगोपसागर पहुंचिबो एहा केते घनीभूत हेबो गतिपथ कोन रहिबो केउ स्थलभाग छुइबो से दिगरे विभिन्न मॉडल मध्येरे सहमति नाही एनसीपी जीएफएस मॉडल कहुछि एहा दिग बदलै बुलिजिबा रिकर्व जोगु भारतीय उपकूल छुइ न पारे किंतु जलवायु परिवर्तन संभव घूर्णिझड़ भारतीय उपकूल छुइबा संभावना थिबाकु संपूर्ण एडे दिजै न पारे डॉक्टर पशुपालक कहिसेंती दक्षिण बंगोपसागर और पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर जलपतन तापमात्रा 31 डिग्री सेल्सियस रहुछि एहा सहित पश्चिमरु पवन बहिबा और गुरुचाप सृष्टि हेबा जोगु बंगोपसागर बात्या दाना बांधिबा पई अनुकूल वातावरण जोगाउछि आईएमडी आकलन अनुसार घनीभूत होई बात्या रूप नहीं पारे हेले यार संभव गति उत्तर दिगर रही पारे जहां कि मियांमार आड़कु गति करि पारे तबे ए बात्याटी जेबे निकटवर्ती हेबो संपूर्ण अपडेट जारी कर जाई पारिबो डॉक्टर पशुपालक पूर्वानुमान हला एबे राज्य रे गरम बढ़िबो आभ्यंतर ओडिसा रे अनेक स्थान रे आसंता 2-3 दिन भितरे पारद 40 डिग्री छुइजबो बलांगीर सोनपुर मालकानगिरी बौद्ध अनुगुल झारसुगुड़ा रे ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होई परे आसंता 10 दिन पर्यंत आभ्यंतरण गरम जारी रहिबो भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिसा रे आसंता 16 तारीख सुद्धा दिन तापमात्रा आउरी 2-3 डिग्री बढ़ी परे केतक जगह रे तापमात्रा 40 डिग्री छुई परे किंतु जहां कि 20 पर राज्यर पानी पाग बदलिबार संभावना रहिछि तबे आगुकु जे कोनोसी अपडेट आसीबो प्रथम एही चैनल मिलिबो तबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबे रखंतु नुवा नुवा अपडेट सहित लेटेस्ट ताजा खबर जानि परबे।